हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। और बेसिक का मतलब क्या होगा? बेसिक का मतलब ये है कि उन बच्चों को भी बेसिक समझ में आएगा हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिनको बस जोड़ घटा गुणा या भाग आता है, वो भी ये क्वेश्चन समझ सकेंगे। उनको भी ये पैटर्न समझ में आएगी कि रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं और कैसे हम बेसिक से लेके एडवांस मतलब सीजीएल क्वेश्चन तक हम जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ ज्यादा ना बोलते हुए इस क्वेश्चन को सीरीज को चालू करते हैं और इसके कुछ पार्ट आएंगे, वो पार्ट को हम 1, 2, 3, 4 करके प्ले लिस्ट में डाल देंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। उस तरह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी फिर हम जब हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ हम नीचे लिंक में भी दे देंगे आपको। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ना बोलते हैं हम क्वेश्चनों को चालू करते हैं, इसके बेसिक देखते हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हमारे एसएससी में या और अदर स्टेट एग्जाम में। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए हम रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। एवं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। अभी अनुपात, समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? पहले हम रेशियो देखते हैं। रेशियो में क्या होता है? जैसे हमने लिखा 3/4, इसका मतलब आपको पता है बटे में होता है। ठीक है, ये इसका ही मतलब रेशियो होता है, 3:4 बोलते हैं इसे। ठीक है, या फिर हम इसे कैसे बोल सकते हैं, 3:4। तो इसका साइन ये वाला होता है, रेशियो का कौन सा साइन होता है ये तो आपको बचपन से पता है। ये क्या होता है? रेशियो का साइन होता है 3:4। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लिया 5:2, तो इसका मतलब क्या होता है? 5:2। यहां तक बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब उसके बाद में क्या बात चल रही है हमारी? प्रोपोर्शन की। किसकी बात चल रही है हमारी? प्रोपोर्शन की। तो अगर हम प्रोपोर्शन लिखते हैं तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? किसका? प्रोपोर्शन, या फिर हम बोलते हैं इसे हिंदी में समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? अब हमने पढ़ लिया था कि भाई हमारा रेशियो तो होता है 3:4, या हम लिख देते हैं क्या, 2:4 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेशियो। अब हमें प्रोपोर्शन की बात पढ़नी है। जैसे ये उन्होंने 2:4 हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 2:4 हुआ, तो ऐसे ही हमारा ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है? ये वाला। इसमें दो डॉट लग जाती है, जैसे एक रेशियो में एक लगती है, इसमें क्या लग जाती है, दो डॉट लग जाती है। ये होता है हमारा प्रोपोर्शन का साइन। इसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शन का? जैसे हमारा 2 के साथ में 4 का रिलेशन होता है ना, 2 के साथ में 4 का कैसा रिलेशन है, 2 में अगर हम 2 की गुणा करें तो 2 2 4 होता है। ऐसे हमारे यहाँ भी इसके साथ में रिलेशन होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 4, क्या लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, तो हमारे यहाँ पे इसमें भी ऐसे रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे कैसे रिलेशन है, 2 2 4, तो यहाँ भी हम 4 2 करेंगे तो 4 2 क्या होता है हमारा, 8 होता है। तो जैसा इस वाले के साथ में इसका रिलेशन है, ऐसा ही इस वाले के साथ में इसका रिलेशन होना चाहिए। इसका ही मतलब होता है क्या, प्रोपोर्शन होता है। मान लीजिए ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है और ये एक घर है, तो यहाँ मान लीजिए ये बेटा है और ये इसके पिताजी है, तो इसका बेटे का अपने पिताजी के साथ में जैसा भी रिलेशन होगा, वैसा ही इस बेटे का अपने पिताजी के साथ में रिलेशन होगा। डिट्टो, बात समझ में आई? तो इसका क्या, अपने पिताजी के साथ में क्या रिलेशन है, 2 2 4 का, मतलब गुणा हो रहा है और किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा 4 का 8 के साथ में कितना रिलेशन होगा, 4 2 8, बात समझ में आई? अब आप बोलोगे ये कैसा रिलेशन है, इसमें तो ऐसा बन रहा नहीं है। मैंने बोला ये 2:4 है, तो अगर मैं इसे काटू तो क्या आएगा, 1 2 4, है ना, 2 2 4 होता मतलब 1:2 आ जाएगा। अगर मैं इसको भी काटू तो क्या आएगा, 4 2 8, 1:2 क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल डिट्टो है ना रिलेशन, 1:2 और 1:2। अब क्या होता है हमारा, वैसे जो रेशियो होता है ना उसका मतलब क्या होता है कि वो पूरा पूरा फिटने वाला होना चाहिए। अगर मैं बोलूं जैसे 12/4, ठीक है, ये अभी रेशियो नहीं है, ये अभी रेशियो क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी इससे कट सकता है। जो काटा मैंने 4 3 12, अब यहाँ पे रेशियो हो गया। नीचे आप बोलोगे यहाँ कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं का मतलब होता है नीचे होता है 1, नीचे कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो हमने बोला ये 3:1 हो गया। तो रेशियो जब तक हो सकता है जब तक वो पूरा कटने वाला ना हो, बात समझ में, एक तरह से प्राइम नंबर ऐसा, एक तरह से प्राइम नंबर ऐसा, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर, कौन सा होता है हमारा, को प्राइम नंबर। जैसे हमने बोला 2:5, तो मैंने बोला क्या ये रेशियो है, हमने बोला हाँ बिल्कुल, ये 2:5 हमारा रेशियो हो गया। अगला हम देखते हैं 12:3, ठीक है, क्या हमारा एक प्रॉपर रेशियो है, हमने बोला नहीं ये प्रॉपर रेशियो नहीं है, या फिर हम 12: क्या लिख लेते हैं 16, हमने बोला क्या प्रॉपर रेशियो में, इनके नहीं ये प्रॉपर रेशियो नहीं है, हमें से और प्रॉपर रेशियो कैसे बनना पड़ेगा, ये कटेगा सिंगल नंबर से, किससे कटेगा, सिंगल नंबर से। अगर हम देखें कि 12 भी हमारा 4 से कटता है और 16 भी हमारा 4 से कटता है, तो अगर हम इसे काटें 4 3 12 4 4 16, अब क्या है 3/4 आ गया ये हमारा,
कितना आ गया 3/4। तो ये क्या हो गया 3/4 हमारा, 3/4 हमारा अभी प्रॉपर रेशियो हो गया। अब क्या इससे ज्यादा 3/4 कट सकता है? हमने बोला नहीं कट सकता। ठीक है, एक बार हम देखते हैं। हमने बोला जैसे मान लिया 2/6, क्या ये प्रॉपर रेशियो है? अभी प्रॉपर रेशियो बोला मैंने, क्या प्रॉपर रेशियो? मैंने बोला नहीं, अभी ये प्रॉपर रेशियो है नहीं। तो क्या करेंगे मुझे बताओ, क्या ये किसी सिंगल डिजिट से दोनों कट सकते हैं? हमने बोला हाँ ये कट सकते हैं। किससे? 2 1 2 2 3 6। तो हमारे प्रॉपर रेशियो क्या हो गया? 1:3। अब ये प्रॉपर रेशियो है, ये बात समझ में है आपको? तो अभी तक आपने क्या सीखा कि रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे 3/4, 5/2 या 2/3। ठीक है, अब रेशियो का साइन ये भी होता है हमारा, ठीक है, या ये भी होता है या ये भी होता है, दोनों ही हमारे रेशियो के साइन होते हैं। अब फिर उसके बाद में किसकी बात आई थी? हमारी प्रोपोर्शन की बात आई थी। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो रेशियो होते हैं पहले दो अलग वाले, फिर दो रेशियो और होंगे, इन दोनों के साथ में जिस जैसा रिलेशन होगा, इनका आपस में जैसा रिलेशन होगा ऐसा ही इनका भी आपस में रिलेशन होगा। अगर इनका रिलेशन 2 2 4 का है तो इनका भी 4 2 8 का होगा। अगर इनका होगा 2 3 6 का, किसका रिलेशन होगा इनका? मान लीजिए हमने यहाँ 6 लिख दिया, किसका रिलेशन लिख दिया इन दोनों का, इन दोनों रेशियो का? 2 3 6, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं यहाँ 4 लिखूं तो यहाँ भी क्या होगा हमारा? 4 3 12। ठीक है, अब एक बार ये देखना क्या हमारे कट सकता है? हमने बोला 2 1 2 और 2 3 6, ये हमारा 1 3 कट सकता है। हमने बोला क्या 4 4 12 कट सकता है? हमने बोला हाँ बिल्कुल कट सकता है, 4 1 4 और 4 3 12। तो इनका रिलेशन कैसा हो गया? 1:3 का हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिलेशन। अब हम क्या सीखेंगे? अभी हम रेशियो की ही इस चैप्टर की चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन की हम कुछ चैप्टरों बाद चर्चा करेंगे, पहले हम किसकी डिस्कशन करेंगे? केवल रेशियो का। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थोड़े थोड़े रेशियो के, अभी थोड़े से और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे उतार लीजिए। तो सबसे पहले हम रेशियो चालू करते हैं। रेशियो में क्या लिखा हमने? दो आदमी है मान लीजिए ए और बी। ए को कितना मिला? 3 यूनिट मिल रहा है, और बी को कितना मिल रहा है? 4 यूनिट। और सबसे पहले याद रखना ये 3 रुपए या 4 रुपए या 3 रुपए या 3 कोई 3 अमाउंट या 4 अमाउंट नीचे, इसे बोलते हैं यूनिट। रेशियो को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो ए को अगर हम 3 यूनिट बोले और बी को क्या मिले? 4 यूनिट। तो हमने बोला इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिल रहे हैं? इन दोनों को मिलाकर मान लीजिए 140 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं इन दोनों को मिलाकर? 140 रुपए मिल रहे हैं। किसे? ए भाई और बी भाई, इन दोनों भाइयों को मिलाकर 140 रुपए मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे पहले यहां पर हमें कितनी यूनिट मिल रही है इन दोनों को मिलाकर। तो ए को कितनी यूनिट मिल रही थी? 3 यूनिट। बी को कितनी मिल रही थी? 4 यूनिट। तो अगर हम इन दोनों यूनिट को जोड़ दें, ठीक है, तो कितना यूनिट हो जाएगा? 4 + 3 क्या होगा हमारा? 7 यूनिट। इन दोनों को मिला के क्या होगा हमारा? 4 + 3 होगा हमारा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 140 हो जाएगी। 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 140 रुपए। ठीक है, तो इन दोनों को या तो आप 4 और 3 7 लिख सकते हो, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, हम यहाँ एक और लिख देते हैं, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 4 ये सिर्फ x भी मान सकते हैं, इसे x भी मान सकते हैं। ठीक है, 4 + 3 क्या होगा? 7 होगा, और इसे हम x भी लिख सकते हैं। या तो आप 7x लिख लीजिए या 7 यूनिट लिख लीजिए। और मेरा मानना है कि अभी आप x ना लिख के अभी आप यूनिट लिखिए, क्योंकि आप मोटा मोटा आराम से समझ सकते हैं। तो क्या बोला मैंने आपको? ए और बी को मिलाकर 140 रुपए मिल रहे हैं। तो हमने बोला यहाँ 3 यूनिट मिल रही थी, यहाँ 4 यूनिट मिल रही थी। तो दोनों को मिलाकर कितने मिल रही है? 4 + 3 7 यूनिट मिल रही है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 140 रुपए। ये बात समझ में आई? अभी ये क्या होता है हमारा? 7 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए। पहले हम 1 यूनिट की निकालेंगे। कितने यूनिट की? 1 यूनिट की। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 7 से ही हमारा कट जाता है। जब ऊपर ऊपर संख्या होती है ना, गुणा में होती है, तो कट जाता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर गुणा में है तो भाग में चलेगा। क्या चलेगा? ये भाग में चले जाएगा। तो 7 हमारा कहाँ चलेगा? इसके नीचे चलेगा। और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो 7 से अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 20 रुपए। कितना आएगा हमारा? 20 रुपए। 7 × 2 = 14 और 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 20 रुपए आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है ए को कितने रुपए मिले और बी को कितने रुपए मिले। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपए। हमने बोला था ये 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। तो 4 यूनिट में हम 20 से गुणा कर देंगे इस वाली 20 से, तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 यूनिट की वैल्यू 20 × 80 रुपए। कितने रुपए आगे? 20 × 80 रुपए। ऐसे ही बोले हम 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो इस 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है हमारी? 20 रुपए आई है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी इसमें? 20 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 20 × 3 = 60 रुपए आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे इन दोनों रुपए का जोड़ करके 140 आ रहा है। हमने बोला हाँ ए को मिलने हैं 60 रुपए, बी को मिलने हैं 80 रुपए। तो 80 + 60 क्या होता है? 8 और 6 = 14 होता है, 140 रुपए आ गए। ये बात समझ में आई? एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ए और बी, ठीक है, को क्या मिल रहे हैं? इसको मिल रहा है 2 रुपए
और इसको मिलने हैं ₹5 ना बोल के अभी हम यूनिट बोलते हैं क्योंकि ये रुपए तो नहीं है। तो इस ए को मिल रहा है दो भाग और बी को मिल रहा है पांच भाग, इसे बोलते हैं ए को मिल रहा है दो भाग और बी को मिल रहा है पांच भाग, ठीक है। और दोनों को मिलाकर क्या मिलने हैं, हमने बोल दिया ₹280 मिलने हैं। कितने मिलने दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों को सम करके, दोनों को जोड़कर, ठीक है, दोनों भाइयों को मान बोल दिया ₹280 मिलने टोटल मिला के, ठीक है। एक पिताजी ने अपने भाइयों को ₹280 दे दिए उन बच्चों को कि भाई हाँ ₹280 आप दोनों बच्चे बांट लो, ठीक है। उन्होंने किस अनुपात में बांटा, इसे 2:5 के अनुपात में, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हमने बोला अगर हम इनको जोड़ देते, इन दोनों बच्चों के पांच और दो का भाग जोड़ देते तो कितना भाग आता, हमने बोला पांच और दो भाग को जोड़ देते क्या आता, पांच प्लस में दो क्या आता, सात यूनिट आता। कितना यूनिट आता, सात यूनिट आता। यहाँ भी तो सात यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, टोटल यहाँ पे कितने रुपए थे हमारे, ₹280। मैंने बोला कि जैसे सात यूनिट होता तो सबसे पहले हम एक यूनिट बनाते हैं, हमने बोला एक यूनिट बनाने के लिए इसे नीचे भाग कट देंगे या फिर मैं ऊपर से ऊपर भी काट देता हूं। तो हमने बोला सात से एक कटा तो 7 × 6 = 28 और जीरो आ गया। तो यहां पर जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ₹40 आ गई। कितनी आ गई एक यूनिट की वैल्यू, ₹40 आ गई। अब हमें निकालना कि भाई ए को कितने रुपए मिले हैं और बी को कितने रुपए मिले हैं। तो हमने बोला एक यूनिट की वैल्यू 40 आई, हमें बताना है 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी। तो हम इस 40 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, अगर यहाँ 40 से इसकी गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 आया। कितना आया, 4 × 5 = 20 और एक ये 40 का जीरो भी था ना, तो एक जीरो और आ गया। तो कितना आ गया हमारा, ₹200 तो बी की आ गई, ठीक है। अगला वाला करते हैं हम, एक यूनिट की वैल्यू ₹40 है तो दो यूनिट की क्या आएगी हमारी, आपको पता है वैसे तो 40 × 80 होगा लेकिन 4 × 2 = 8 और एक जीरो लिख दिया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ₹80 आ जाएगी। तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर दो चीज यूनिट की, मतलब दो भाग दिया होता है, ए का दो बी का पांच, और बोला होता है टोटल ₹280 हैं और बोलता है भाई ए और बी के रुपए में बताओ, अभी तो भाग है फिर किस में बताते हैं भाई ए को कितने रुपए मिले और बी को कितने रुपए मिले। तो हमने बोला कि इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, 5 + 2 क्या होगा, 7 यूनिट। अभी यूनिट है ना, भाग है तो इसलिए मैंने रुपए नहीं लिखे, तो 7 यूनिट की वैल्यू ₹280 आ गई क्योंकि ₹280 दिए गए थे उनके पिताजी ने, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 280 आई, पहले हमें एक यूनिट बनाना होगा तो 7 से हम इसे काट देंगे तो 7 × 28 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, ₹40 आ गई। हमने बोला हमें एक यूनिट की निकालनी, हमें तो 5 यूनिट और 2 यूनिट की निकालनी है। तो हमने क्या करा, 5 यूनिट के लिए हमने यहाँ 40 से गुणा कर दिया क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 40 आ रही थी, तो 14 × 4 = 20 आएगा तो 200 आ जाएगा। इसमें 40 से गुणा करके 4 × 2 = 8 है, 0 आया। तो यहाँ गया ₹80 और यहाँ आया ₹200, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमने अभी यहाँ प्लस का करा, एक कॉन्सेप्ट हम मल्टीप्लाई का करते हैं, तो इसे आप उतार लीजिए फिर हम मल्टीप्लाई का चालू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या हुआ, ए और बी फिर से दो भाई हैं, कितने हैं, ए और बी फिर से दो भाई हैं और इसको मिले कितने रुपए, ₹3, तीन भाग और इसे मिला दो भाग। इसे कितना भाग मिला, तीन भाग और इसे मिला दो भाग। और क्या बोल रहा है, ए और बी का दोनों को भाग की गुणा करके मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन, क्या हुआ इनका मल्टीप्लीकेशन, या फिर हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, गुणनफल। क्या बोलेंगे हम, गुणनफल। क्या बोला, हमने ए का भाग और बी की भाग की गुणा करके हमारा कितना आ रहा है, मान लीजिए हमारा आ रहा है कितना, 36 आ रहा है। कितना आ रहा हमारा, ₹36 बोल दिया। कितने रुपए बोल दिया, ₹36 बोल दिया। तो बोलना ए का भाग कितना होगा और किसका, बी का भाग कितना होगा, या ₹36 ना बोल के हम इसे बोल देते हैं 216। क्या कर देते हैं इसे, ₹216 के। तो हमने बोला क्या, ए का भाग 3 है, बी का भाग 2 है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके या गुणनफल करके ₹216 आ रहा है। तो बताओ ए को कितने रुपए मिले और बी को कितने रुपए मिले। तो पहले मैंने बोला इन दोनों का अब यहाँ जोड़ नहीं है, क्या है, गुणनफल है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे। अब ये क्या गलती करते हैं, हमने जैसे पीछे वाले में डिस्कशन करा था, क्या अगर ये दोनों जुड़ते हैं, क्या होते हैं ये दोनों जुड़ते हैं, तो हमने बोला था एक्स एक्स मान के 3 और 2 कितना होता है हमारा, 5x होता है, ठीक है। ये तो 5x रहता है, तो इसलिए बोलता था मैं इसे एक बार 5 यूनिट मान लो, एक्स ना मान लो। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्स मान लें, क्या मानिए, यहाँ एक्स माने, यहाँ भी एक्स माने, तो इन दोनों की गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 × 6 और यहाँ पर x से x की गुणा होती है तो क्या होता है, याद रखना अभी यहाँ पे, जैसे एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा क्योंकि कईयों की बेसिक कमजोर होगा ना, ठीक है। मैंने बोला अगर यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ 3x लिखा है, अगर हम इन दोनों को जोड़े तो क्या होगा, 3 + 2 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि आपस में जुड़ सकते हैं, ये x है ये x है तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जुड़ सकते हैं मतलब 3 + 2 क्या होगा, 5 और इसका मतलब ये जुड़ सकते हैं, तो बस ये x लिख दिया। ये बात समझ में आई। अब एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं मैं, मान लीजिए हम लिखा 2x + 3y, क्या लिखा मैंने, 2x + 3y, क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं, इसकी वैल्यू x है इसकी वैल्यू y है, हमने बोला ये आपस में जुड़ नहीं सकते, इसका इतना ही होगा। बात समझ में आई। एक हम गुणा वाला देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, गुणा वाला। गुणा में क्या देखते हैं, अगर मैंने लिखा 2x × 3x, ये बात समझ में आई। अभी गुणा में होता है ना, तो ये प्लस का अलग होता है, इसका मतलब तो यहाँ होता है कि ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो 3 + 2 क्या होगा, 5 और इसका मतलब x हो जाएगा। लेकिन अगर ये गुणा में होता है तो क्या होता है, 3 × 6 होता है और x की अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होता है, ये हमारा x की पावर स्क्वायर होगा। क्या होगा, x का पावर स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे इसका ऐसे लिख देता 2x
गुणा में 3x गुणा में 4x। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या था, 4 3 12, 12 2 24, ठीक है। अब यहां पे कितने x हैं, 1x 2x 3x, तो 3x लिख के x का क्यूब लिखते हैं, जितने भी x होते हैं ना हम यहां पे जोड़ देते हैं ऐसे 1+1+1, तो 1 1 1 क्या होता है हमारा 3 होता है, तो 24 क्या हो गया, x का क्यूब हो गया। ये बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे हम यहां पे भी कहते हैं अगर 3 2 6 करा तो x का मतलब 1 होता है और इस x का मतलब 1 होता है। अगर हम इसे ना लिखते ऐसे लिखते 1+1, तो इसका मतलब क्या होता है 6 का पावर x का स्क्वायर। आपको इतना बड़ा नहीं करना, आपको बस समझना गुणा में क्या होता है, सीधा करेंगे 3 2 6 x का कितने x है 1 और 2 तो x स्क्वायर। अगर हमारे 4 3 12 2 24 आया, कितने x है 1 2 3 तो x का क्यूब करा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और चल रहा होगा, भैया यहां पे x और y हो जाता है अगर गुणा में, क्या होता 2x गुणा में 3y हो जाता, ठीक है। तो भी इसकी गुणा हो सकती थी, प्लस तो नहीं हो सकता लेकिन गुणा बिल्कुल हो सकते हैं। क्या होगा, 3 दुनी 6 होगा और x का हमारा x उतर जाएगा और y का हमारा y उतर जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा, हमने बोला अगर ये सेम वैल्यू होती है x की या y की तो ये आपस में जुड़ सकता है या घट सकता है। देखो घटने का भी बता देता हूं मैं, हमने लिखा 2x माइनस में 3x, मुझे बताओ 3 में से 2 घटेगा, हमने बोला बिल्कुल घटेगा, ठीक है। और ये वैल्यू सेम है, हमने बोला बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 1, नहीं माइनस के 1, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या माइनस की है, तो माइनस के 1x आ गया। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा ये चीज गुणा में होती है, ठीक है, किसमें होती है गुणा में, तो हमारा ये आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। लेकिन अगर ये वैल्यू अलग अलग हो, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकता ना ही घट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये गुणा में हो, किसमें हुई है गुणा में हो, तो क्या होगा 3 दुनी 6 होगा, x की वैल्यू x आएगी और y की वैल्यू y आएगी। ये हमारा बेसिक था जिनका अभी तक मैथ थोड़ी सी वीक हो, तो यहां से कॉन्सेप्ट बना लेना, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को चालू करते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, अगर इन दोनों की गुणा होती, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बोल रखा था ना, मल्टीप्लाई करके ए का भाग और बी का भाग करके जब 216 आता है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 आएगा और x से x की गुणा करें तो क्या आएगा हमारा x स्क्वायर आएगा। ये बात समझ में आई, 6x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 216 रुपए दे रखी है, कितनी दे रखी है 216 रुपए। तो हमने बोला 6 से हम इसको काट सकते हैं, यहां पे तो एक तरह से 6x स्क्वायर यूनिट की वैल्यू आ रखी है, तो 6 से अगर काटेंगे हम क्या आएगा, 6 3 18 19 20 21 मतलब 3 आ जाएगा, और 3 में अगर 6 जुड़ेगा मतलब 3 30 प्लस में 6 तो 36 आएगा, 6 6 36 आ गया। तो कहने का x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 36 आ गई रुपए। ये बात समझ में आई। अब मुझे बताओ जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं क्योंकि मैथ वीक होगी, ठीक है। हमने बोला मान लीजिए ये क्या होगा, x स्क्वायर हो गया और ये हो गया 36, क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो अगर यहां से स्क्वायर हटता है ना, अगर इस साइड से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या चल जाता है, स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। जैसे ये हुआ हमारा x, अगर यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहां चढ़ा देंगे हम स्क्वायर रूट। ये बात समझ में आई, ये कईयों की वीक होती है क्या, कि अगर यहां पे x स्क्वायर होगा भाई और यहां 36 हुआ तो यहां से स्क्वायर हटाने के लिए हम यहां चढ़ा देंगे रूट, ठीक है। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। और ये कैसे सोल्व करते हैं, वैसे तो आपको पता होगा 36 का हमारा 6 आ जाता है, लेकिन कईयों को नहीं पता तो ये देखना इसका मतलब क्या होता है, 6 6 36 होता है, हम 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब ये स्क्वायर रूट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये दो दो भागों का एक पेयर बनता है, दो चीजों का एक पेयर बनता है। मान लीजिए ये एक दोस्त है, ये एक दोस्त है, जब दो दोस्त मिलेंगे जब ये भाग घूमने जाएंगे, नहीं तो ये भाग घूमने जाएंगे। ये बात समझ में आई, मतलब अगर ये 6 और 6 एक जैसे दो दोस्त मिल जाएंगे गुणा में, तभी ये भाग घूमने जाएंगे, नहीं घूमने जाएंगे। अब भाग घूमने का मतलब कि इससे बाहर निकल जाएंगे, जो इनका घर है ना ये वाला, इससे बाहर निकल जाएंगे। अब ये पेयर बन रहा था, हमने बोला बन रहा था, तो अब ये बाहर निकल जाएंगे, क्या आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन में बता देता हूं, मान लीजिए हमारा x स्क्वायर की वैल्यू आती 49, कितनी आती है x स्क्वायर की वैल्यू 49, तो हमने बोला स्क्वायर हटाने के लिए क्या आता हमारा, यहां पे रूट आ जाता, 49 आ जाता, ठीक है। अब हमने बोला फिर से, हमने क्या बोला था, वैसे तो इसका 7 आता इसका, लेकिन किसको नहीं समझ में आ रहा देख लीजिए, हम 49 को कैसे तोड़ सकते हैं, 7 7 49, हमने बोला ये दो पेयर बन गए क्या, हां हमने बोला दो पेयर बन गए। अब क्या करेंगे, आउटिंग का बोलेंगे चलो बाहर घूमने जाओ, तो घूमने जाने के लिए क्या लिखेंगे, बाहर आ जाएंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये बात सपोज क्लियर हुई, तो यहां पर भी क्या जगह मैं डायरेक्ट लिखता हूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी, मतलब 6 रुपए आ जाएगी। यहां तक बात सबको क्लियर थी, हमने यहां समझाया था, ठीक है। अब x की वैल्यू 6 रुपए आ गई, तो हमने बोला हमें तो 2x निकालना है और 3x निकालना है, मतलब a का कितने रुपए और b को कितने रुपए मिले, तो हमने बोला x की वैल्यू 6 है, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, x का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे 2 में गुणा में 6 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हमने 6 लिख दिया, तो 6 दुनी कितना हो जाएगा हमारा, 12 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 12 रुपए आ जाएगा। अगर हम यहाँ लिखें यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3x की वैल्यू, मतलब x की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, तो 6 3 18 रुपए आ जाएगा। ये बात समझ में आई, तो कुल मिला के a को हमारे 18 रुपए मिलेंगे और b को 12 रुपए मिलेंगे, जब इन दोनों की गुणा करी होगी ना, जब जाके हमारा 216 रुपए आए होगा। ये बात सबको क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम प्लस का एक 3 वाले लिख लेते हैं, मतलब a b और c को हमारे रुपए मिले होते अलग अलग, तो कितने रुपए होते, ऐसे हम एक गुणा का देख लेते हैं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
चलिए अब हम ले लेते हैं, अब तीन भाई हैं, कितने, ए रेशियो बी रेशियो सी। हमने बोला इसके इसको कितने रुपए मिले, एक भाग मिला, इसे मिला दो भाग, इसे मिला तीन भाग, ठीक है। ए को मिला एक भाग, बी को मिला दो भाग, सी को मिला तीन भाग। अब क्या है, ये इनको दोनों सबको मिला के मिल गए 280 रुपए। कितने रुपए मिल गए, 280 रुपए। इनके पिताजी ने इन सबको मिलाकर 280 रुपए दे दिए। और क्या क्या, एक रेशो दो रेशो तीन का अनुपात में दोनों तीनों भाई बांट लो। ये बात समझ में आई। हमने बोला अभी इन दोनों का जोड़ मिलकर 380 हो रहा है, इन तीनों का जोड़ मिलकर, है ना, क्योंकि इनको इन पार्टों में बांटना है, मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है, इन सबका जोड़ है। अगर जब कुछ नहीं बोला होता, बोलता है एक रेशो दो रेशो तीन के भाग में से बांटना है, तो मतलब इन दो सबको कंबाइन मतलब एडिशन करते हैं। और अगर कभी लिखा हो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तब हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर कुछ नहीं बोला तो मतलब हम इन सबको जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, तीन प्लस में दो प्लस में एक क्या होगा, तीन दो पांच और एक छह हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, छह हो जाएगा। यहाँ तो पास है तीन दो पांच और एक छह हो गया। और इसकी वैल्यू हम 280 ना लिख के कितने लिख लेते हैं, 360 लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। अब हमने बोला तीन दो पांच एक छह यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 360 रुपए आ गई। कितनी आ गई हमारी, 360 रुपए आ गई। तो हमने बोला भैया सबसे पहले हमने क्या बोला था, एक यूनिट ही निकालते हैं। तो हमने बोला यहाँ एक यूनिट के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छह से काटना पड़ेगा, छह छिंग 36, छह छिंग 36 आ गया। और अभी एक जीरो बची तो जीरो आ गई। तो हमने बोला एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आ गई हमारी, 60 रुपए आ गई। यहाँ तो बात समझ में आ गई हमको, क्या एक यूनिट की वैल्यू निकालनी थी हमने, यहाँ नहीं, हमें निकालना था ए का भाग बी का भाग तीन बी सी का भाग, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए आई। तो हमारा सी क्या है, तीन यूनिट था, और बी क्या है, दो यूनिट, और ए क्या है, एक यूनिट। तो हमने बोला इससे हम गुणा कर लेते हैं किसकी, 60 की, क्योंकि अब हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू 60 आ रही। तो तीन यूनिट की 6 3 18, तो कितना आ गया हमारा, 180 रुपए आ गया। और दो यूनिट की वैल्यू क्या, फिर से 60 की गुणा कर देंगे, तो 60 ही करिए, तो 6 2 12, क्या आ गया हमारा, 120 रुपए। अब हम फिर से एक ही गुणा करते हैं, तो हम एक ही गुणा करेंगे, 60 आएगा, 60 एकदम 60, तो कितना आ गया हमारा, 60 रुपए आ गया। ये बात सबको समझ में आई। तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे, इन सबका ऐड करके यहाँ निकाल देंगे। ये बिल्कुल दो की तरह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ऐसे हमारा तीन में डिवाइड हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मल्टीपल हो रहा है। अब हम मल्टीपल का देखते हैं। मान लीजिए हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी, ये भी अभी भी तीन ही भाग है। कितने भाई है, यही है ए रेशियो दो रेशियो तीन है, ठीक है। ये बात समझ भाई। अब मैंने बोला इसका मल्टीपल हो रहा है, क्या हो रहा है, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इनका गुणनफल हो रहा है, गुणन फल हो रहा है। अब गुणनफल क्या है, एक बार हम यहां से देख लेते हैं क्या है इसका। तीन दुनी छह एकम छह, छह एक्स की वैल्यू आएगी, वह छह एक्स क्यूब की आएगी। किसकी आएगी, ये छह एक्स क्यूब की। क्यों, हमने बोला मल्टीप्लिकेशन करके कोई वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन करके कोई वैल्यू रुपए में दे रखी है। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे आएगा। आपको पता है हम पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तीन दुनी छह, छह एकम छह, और हमने बोला सिर्फ 6 यूनिट मत लिखना, क्योंकि गुणा में मतलब होता है, इसका मतलब एक्स एक्स और एक्स होता तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 6x एक ही बार आता है, क्योंकि ये सब जुड़ते हैं तो एक ही x आता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो जितने x होंगे ना, उतने x की क्यूब आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तीन है तो एक दो तीन, तो x की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कौन सी हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। पहले हमारा 216 था, 216 में अगर हम 6 की ओर गुणा करते हैं, 6 6 36 6 3 9 6 2 18, हम यहाँ लिख देते हैं 1896। क्या लिख दिया मैंने, 1896। क्यों लिखा, क्योंकि ये आसानी से पहले 6 से कटेगा और फिर 216 आएगा, और 216 फिर 6 का जो होता, मतलब हमने अपने आसान बनाने के लिए। वैसे तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन का भी पैटर्न समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वो काटा, 6 से कटेगा तो क्या आएगा, 6 3 18, फिर 9 को काटेंगे, 6 एकदम 6, इतना बचा हमारा 3 बचा, फिर क्या आया हमारा, 6 6 36 आया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ हमने गलत कर दिया, 6 6 36 6 3 9 6 2 12 आता हमारा, कितना आता 12। तो कितना लिखा हमने, 1296 लिखा, ये लिखा ना हमने। तो हमने क्या लिखा, 6 2 12, 6 कम 6, और 6 6 36 आएगा, मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 216 आ गई। ये बात समझ में आ गया। तो हमने बोला एक्स क्यूब की वैल्यू 216 आ रही है, तो अगर यहाँ से 3 हटेगा, तो हमने बोला यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्यूब रूट आएगा। पिछले वाले में स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्या था, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या है, 216 को अब हमें ये हटाना, यहाँ से 3 हटा, तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ 3 के पहले कितने के पेयर बन गए थे हमारे, 2 के पेयर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो 2 पेयर बाहर आएंगे। अब यहाँ कितने के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर, मतलब जब तक ये 3 लोग नहीं होंगे ना, जब तक ये इस घर से बाहर नहीं आएंगे। बात समझ में आई। तो हमने बोला क्या कि अगर यहाँ से हम तोड़े तो क्या आएगा, 6 6 36 6 2 16। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कितने के पेयर बन रहे, 3 के, क्योंकि यहाँ पे 3 था। अगर यहाँ पे 2 होता तो केवल 2 के पेयर बाहर आता, ठीक है। तो अभी जैसे ही 3 पेयर बन जाएंगे तो क्या आएगा, चलो घर से बाहर, तो क्या होगा, घर से बाहर चलेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, कुल मिला के यहाँ से 6 आई। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 6 में 1 की गुणा करेंगे, 6 कम 6, यहाँ गुणा करेंगे 6 की, तो 6 2 12, और यहाँ करेंगे तो 6 3
18 आएगा, तो कितने कितने रुपए आए, यहाँ पे 18 रुपए, यहाँ पे आए 12 रुपए और यहाँ पे आए 6 रुपए। ये बात समझ में आई? तो 6 रुपए, 12 रुपए, 18 रुपए ए बी सी को मिले और इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारा कितने रुपए आ रहा था यहाँ पे 1296 रुपए आ रहा था, जो हमने पहले लिखा था, क्योंकि हमने क्वेश्चन पता नहीं था, आंसर नहीं पता था, हमने खुद सोल्व करा इसलिए हमने लिखा। पेपर में क्या क्वेश्चन देगा भाई, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 भाग है, सी की वैल्यू 3 भाग है और इनके तीनों की गुणा करके 1296 रुपए आ रहा है। ये बात समझ में आई? अभी हमने बहुत बेसिक सीखा है रेशियो का और प्रोपोर्शन का, बहुत ही बेसिक, ठीक है। अगली बार से हम इसके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ बेसिक और देखेंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अगली सीरीज में। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आती हो तो एक बार इसे बता देना मुझे कमेंट में, और जो भी आपको लाइक करना हो या जो भी करना हो जरूर करिएगा, और शेयर अगर आपको लगता हो अच्छा है तो शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।